डरिए मत, हम हैं। क्या हुआ श्रेया अनुष्का, डरा दिया तुम दोनों ने तो मुझे। आप मत डरिए, हम ये चाहते हम आपसे डरे। मतलब दादी प्लीज हमें कोई अच्छी सी हॉरर कहानी सुनाओ ना। ले तू फिर से शुरू हो गई श्रेया, तेरी माँ को अगर भनक लग गई तो बरगद के पेड़ वाले चुड़ैल को लाके मेरे ऊपर छोड़ देगी। दादी प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत दिनों से नहीं सुनी, बहुत मन कर रहा है। कहा है कहा वो मैंने, मम्मी अनुपमा देख रही है वो। शर्मिला बंद करना वो अनुपमा। भाई कितना दुखी है उसकी जिंदगी में, क्यों भगवान वही क्यों हमेशा, नहीं सारा दुख आपको उसी को देना है। ये भगवान ये दुख मेरी जिंदगी में क्यों दिया। हाँ, कुछ बोला आपने? नहीं कुछ नहीं। श्रेया की दादी प्लीज हमको सुनाए ना हॉरर कहानियां प्लीज। आप श्रेया को हर बार सुनाती हो, मैं कभी कभी सुनने आती हूँ ना प्लीज। अनुपमा देख रही हूँ, चल ठीक है, जब तक उसकी अनुपमा को कोई और मिल जाता है तब तक मैं मेरी कहानी खत्म कर देती हूँ, आके बैठ जा। हाँ अनुष्का बैठ जा, सुना सुना। आई एम सो मच एक्साइटेड, दादी की बहुत कहानियां बेस्ट होती है। तो हॉरर ही सुननी है या दूसरी कुछ? हॉरर ही सुननी है दादी हमको, हॉरर हॉरर हॉरर। नहीं सुधरोगी तुम, चलो हर बार मैं पुरानी कहानियां सुनाती हूँ, इस बार मैं थोड़ी मॉडर्न जमाने की कहानी सुनाती हूँ। ओ वाओ मॉडर्न, कुछ नया होगा मतलब? अभी की बात है वो। डरो मत बेटा, डरो मत दादी, ऐसी करती रहती बहुत जोर से चिल्लाती है कभी कभी। मैं ऐसी कहानियां सुनाती हूँ श्रेया को, पता है तेरे को डर लग रहा है सुसु आ रही, तू जा मत सुन। No, I am fine. मैं तो बस पहले झटके में ऐसे डर जाती हूँ कभी भी, but I am totally fine. Fine, all right. बहुत पहले की नहीं, just अभी की बात है, 3 महीने पहले। सुसु आई क्या? ओए, सुसु नहीं आई मुझे। 1, 2, 3 3 महीने पहले एक लड़की घर में घुसी। किसके घर में घुसी? अपने अपने घर में घुसी, मतलब चली गई, बैठ गई अपने घर में जाके, बाहर से आते ही वो अपने बाथरूम में गई। लड़कियों की आदत होती है ना जाके फ्रेश होती है सबसे पहले, तो वो फ्रेश होने के लिए चली गई। वो जो घर था, जिस घर में वो रह रही थी, वो घर उसने बस 15 दिन पहले लिया था। 15 दिन एकदम आराम से गए, पर उस दिन थंडरस्टॉर्म्स, बेमौसम बरसात होती रहती है जब मैं कहानियां सुनाती हूँ, डर मत। उस दिन वो बाथरूम में फ्रेश हो रही थी, तभी फोन की घंटी बजी। ट्रिक 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 ट्रिक। हेलो, उसने फोन उठाया। कौन था? उसका बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? ओह माय माय, इतना क्या हो रहा है तुझे, तेरा नहीं उसका है। कॉल पे बात कर रही थी, उसका बॉयफ्रेंड बोला, हे माय लव माय जान, I am coming in 2 minutes. क्या बात कर रहे हो? 2 मिनट में आ रहे हो? Okay, I am just getting ready. मैं बस फ्रेश हो रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। लड़की मुस्कुराई, वो कहती है, मैं भी तैयार होती हूँ, कम हरी अप। उसने वो वर्क के फोन रख दिया। लड़के के आने की खुशी में वो अच्छा खासा फ्रेश हो रही थी। बाथटब में उसने पानी चालू कर दिया, पूरा बाथटब पैसा भर दिया। फिर वो बाथटब में घुसी। बाथटब में टपक गई क्या? नहीं भाई, इतनी जल्दी क्यों मार रही उसको। बाथटब में जैसे ही वो घुसी, फिर से एक बार कॉल बजा। कौन था कॉल पे? वही लफड़ेबाज। हेलो बोलो ना बेबी, 1 सेकंड आवाज नहीं आ रहा। हाँ बोल, क्या बोल रही थी? फिर वो बोलता है, हे जानू, हे माय लव, मैं
जल्दी नहीं आ रहा, मुझे 2 मिनट की बजाय 2 घंटे लगेंगे। What? तुमने तो कहा तुम 2 मिनट में आ रहे हो, and now you're saying 2 hours। लड़की दिल मिला गई, क्योंकि भाई ऐसा कोई करता है? वो इतना फ्रेश हो रही, सब कुछ कर रही हो, तो बोल रहा है 2 घंटे लगाएगा। तो उसने फोन काट दिया गुस्से में और वो अपना आराम से लेट गई। तभी उसके घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। लड़की घबरा गई, भाई वो बंदर बैठी है, अचानक से कौन उसके घर में घुसा? उसने बोला, कौन है, कौन है, कौन कौन है? बाहर से उसके बॉयफ्रेंड की आवाज है। Hey, it's me, Pranay। तुमने तो कहा था कि तुम 2 घंटे बाद आने वाले हो, फिर अभी कैसे टपक गए? उसने कहा, यू इडियट, तुमने तो मुझे कहा 2 घंटे बाद आ रहे हो, फिर अभी कैसे आ गए? वो सोचा मैंने आज तुम्हारे से थोड़ा प्रैंक कर दूं। लड़का बोला, मैं तो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था। फिर लड़की हंसी। लड़का बोला, क्या कर रही हो अंदर? लड़की बोली, क्या करते हैं, फ्रेश हो रही हूँ। फ्रेश हो रही हूँ, जस्ट आती हूँ। उसके बाद लड़का बोलता है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। I have a surprise for you. Really? लड़की खुश हो गई, वो जल्दी से नहाने लगी, फ्रेश होने लगी। तभी फिर एक बार कॉल पहुंचा। कौन था कॉल पे? उसका बॉयफ्रेंड। ऐसा कितने बॉयफ्रेंड था उसका? एक ही है भाई उसका। फिर वो कॉल कैसे कर रहा है बाहर से? घर में भी वो है, बाहर भी वो है, ऐसा कैसे? वही तो कहानी बता रही हूँ मैं, सुन पूरी। इसको भगा रहे, इसको कुछ सुनना नहीं, ठीक से बार बार बोलती है, चुंदर मुखी औरत की बेटी। फोन पे उसका बॉयफ्रेंड था। लड़की शॉक हो गई, ये तो मेरे घर में, घर से क्यों मेरे को कॉल कर रहा है? ये मेरे को रूम में से क्यों कॉल कर रहा है? हेलो। उसको लगा मजाक कर रहा है, कॉल उठाया कहा? लड़का बोलता है, मैं जस्ट रास्ते में हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाना है तो बोलो। तुम कुछ नहीं ला सकते, आई नो इट। लड़की हंसी और बोली, क्या ला सकते हो मेरे लिए, मुझे पता है तुम कुछ नहीं ला सकोगे। लड़का बोला, ऐसा क्या बात कर रही हो, मैं लाऊंगा भाई, मैं रास्ते में हूँ। तुम मेरे कमरे में हो, समझ गए, तुम यहाँ से कहीं नहीं गए हो, और क्या लाओगे तुम मेरे लिए? लड़की कहती है, चल झूठा, तू तो मेरे घर में है। तभी लड़का बोलता है, मैं तो तेरे घर में नहीं। What are you saying? क्या था ये? बिजली चमकी। फिर लड़की शॉक हो गई। लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को आवाज दिया, पर रूम में से किसी का आवाज नहीं आया। प्रणय, प्रणय। लड़की ने दोबारा आवाज दिया, पर किसी का आवाज नहीं आया। अब प्यारी घबरा गई। अब ये देखो, पता नहीं मेरे रूम में कौन आया है, मैं बाथरूम में हूँ, और वो जो भी था उसका आवाज तुम्हारे जैसा ही था। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि तुम ही आ गए हो, पर तुम बोल रही हो कि तुम वहां पे हो। तभी उसके बॉयफ्रेंड का फोन कट गया। लड़की ट्राई कर रही थी, पर फोन नहीं लगा। लड़की का नेटवर्क माइनस में चला गया। हेलो। अभी वो किसी को कॉल नहीं कर सकती थी। अचानक मिसिंग का नल। नल बंद कर दिया। अभी वो बाहर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसे डर था कहीं वो जो कोई भी उसके ऊपर हमला ना कर दे। लड़की चुपचाप बेसिन का नल करके बाथटब में बैठ गई। अचानक फिर बेसिन का नल चालू। अब लड़की नल बंद करने की हालत में नहीं थी, क्योंकि वो उठना ही नहीं चाहती थी, इतना डर गई बेचारी। बाथरूम का दरवाजा
उस बाथटब के पानी में वो भी पानी पानी हो गई। इतना डर इतना खौफ उसके शक्ल पे था। तभी रूम में से बाथरूम की तरफ पैरों की आवाज आने लगी। खटुक 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 आवाज करीब आने लगी। लड़की डरने लगी। आवाज और करीब आने लगी। ससुमा क्या कर रही हो? क्या चल रहा है यहाँ पे? 11 बजे को आए हॉरर कहानियां सुन। ससुमा आपको बोला था ना बच्चों को हॉरर कहानियां नहीं सुनाए। रात को सुनने जाते वो मुझे लेके जाना पड़ता है उनको। हाँ वो नहीं, मैं ससुर जी को बुलाती। ससुर जी नहीं नहीं उनको मत बुला उनको। ए उठा खत्म कहानी खत्म। हमको जानना है उस लड़की का क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ भाई। लड़की सपने से उठ गई। उसका सपना था। कहानी खत्म।